सभी आशा कार्यकर्ती अपना सर्वे रजिस्टर या आशा डायरी बनाना सीखें एकदम बेसिक तरीके से। देख सकते हैं किस तरह से हम पूरा रजिस्टर इस प्रकार भरेंगे, आप भी अपना एकदम अच्छी तरीके से भरें। इसमें क्रम संख्या में आप क्या डालोगे, क्रम संख्या में आपको क्रम संख्या डालनी है इस प्रकार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी प्रकार 13, 14, 100 तक जितना भी आपके क्षेत्र में जनसंख्या है उस प्रकार से क्रम संख्या और तक डालते चले जाएंगे हर पेज में। इस पेज में डालने के बाद आगे दूसरे इस पेज में डालेंगे, हर पेज में डालना है क्रम संख्या से चलेंगे। उसके बाद विशिष्ट परिवार संख्या, विशिष्ट परिवार संख्या जिस घर में गए उसका, एक घर में पहले नंबर गए तो एक घर, दूसरे घर में गए दूसरा घर डाल देंगे इस प्रकार से विशिष्ट परिवार संख्या। इस प्रकार से विशिष्ट परिवार संख्या डालने के बाद फिर आप गृह भ्रमण हेतु चिन्हित परिवार का निशान लगाएं। जैसे एक घर में गए तो एक घर में पहला निशान लगा दें, दूसरे घर में गए दूसरे घर में इस तरह से निशान लगा दें। फिर परिवार के सदस्यों की क्रम संख्या, एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक परिवार में हमें 6 सदस्य मिले, दूसरे परिवार में 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, जितने भी हैं उस प्रकार से। इसमें मुखिया व परिवार अन्य सदस्यों के नाम, सबसे पहले मुखिया का नाम लिखना है, मुखिया का नाम जैसे पहले कोई नाम ले लेते हैं सबसे बड़ा जो, उसके बाद इनसे छोटा जो हो, उसके बाद इनसे छोटा, उसके बाद इनसे छोटा, उसके बाद इनसे छोटा, उसके बाद इनसे छोटा, इस प्रकार से 6 सदस्य होने के बाद अब इनका मोबाइल नंबर है, इसमें पूरे परिवार का एक ही नंबर डाल दें। इस प्रकार से मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें इस तरीके से निशान लगा दें कि सेम ही एक परिवार के एक मोबाइल नंबर है। उसी प्रकार दूसरे परिवार में यहाँ पर भी मुखिया का ही नाम पहले डालना होगा, क्रम संख्या 1 डाल लेंगे, 2 जितने भी सदस्य हैं उस प्रकार से डाल लेंगे। इसमें परिवार के सदस्यों की क्रम संख्या इसमें हमको डालनी थी। उसके बाद मुखिया से संबंध, इसमें क्या है मुखिया से संबंध, मुखिया से संबंध क्या है कि मुखिया है, सबसे पहले क्या हमने किसका नाम लिखा लिखा है मुखिया का, मुखिया। उसके बाद पत्नी, उसके बाद पुत्र हैं भाई हैं जो भी हैं वो लिख सकते हैं, उसे उनके पुत्र हैं, पुत्र पुत्री, पुत्री, पुत्र। अब जैसे अगर होता कोई छोटा बच्चा यहाँ तो उसे हम लिखते पोत्रा, या छोटी और बच्ची होती तो पोत्री, अगर जैसे कि किसी की नाते नहीं नाती है तो उसे हम पोत्रा पोत्री लिखते हैं। धर्म क्या है, आपका जो भी धर्म हो वो लिखेंगे, जैसे हिंदू हैं हिंदू, या पंडित हैं जो भी हैं, जो भी आपकी जात है धर्म है वो डालेंगे, जात जो आपकी
जैसे मैं सामान में आता हूँ, सामान में आप जनरल सामान वगैरह अनुसूचित जाति जनजाति जिसमें भी आप आते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। बीपीएल कार्ड, गल्ला का कार्ड, बीपीएल लाल वाला है या नहीं है वो डाल सकते हैं। है तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। लिंग पुरुष हैं, स्त्री हैं, इस प्रकार से यहाँ देखो पुरुष हैं, स्त्री हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इस प्रकार से भरने के बाद अब आयु भरनी है, इनकी आयु कितनी होगी। आपको एक परिवार में जाके पूछने के बाद तभी आयु भरें। मान लो 49 वर्ष के हैं, 48 के हैं, ये मान लो 22 के हैं, ये 20, ये 17, ये 10, इस प्रकार से। अब इसमें स्थिति लिखनी है, वैवाहिक स्थिति, अविवाहिक स्थिति, विवाहित, विदुर या विधवा क्या है। विवाहित हैं तो विवाहित यहाँ कर दो, विवाहित, कोई विवाहित, अविवाहित हैं तो अविवाहित कर दो, अविवाहित, विदुर हैं तो विदुर लिख दो, जो विधवा होती हैं विदुर उन्हें कहते हैं जिनकी पत्नी ख़त्म हो जाती है या कुमार बच्चे हैं उन्हें विदुर कहते हैं। विधवा क्या है, विधवा जिनके पति खत्म हो जाते हैं उनको हम विधवा कहते हैं, विधवा कहते हैं। तो आप लोग जानते हो उन्हें विधवा भर सकते हैं। अविवाहित हैं, अविवाहित हैं, इस प्रकार शॉर्ट में भी लिख सकते हो अविवाहित। उसके बाद शैक्षिक योग्यता क्या है, शैक्षिक योग्यता आप डालेंगे, शैक्षिक योग्यता क्या है, इनकी 10वीं है, इनकी मान लो 8वीं है, इनकी मान लो BSc है, इनकी 10वीं, 10वीं, 6, इस प्रकार से शिक्षा को भी करना है। फिर शौचालय की उपलब्धता, सेप्टिक टैंक है, सोखता गड्ढा वाला शौचालय है, खुला शौचालय है, खुड्डी या अन्य। 4 नंबर पे आप क्या करोगे, अन्य या बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, इस प्रकार से भरना है। इसमें अगर सोखता गड्ढा वाला शौचालय है तो 2 नंबर डालेंगे, अगर सेप्टिक टैंक है तो 1 नंबर, खुला हुआ शौचालय 3, या अन्य कहीं जाते हैं तो 4 नंबर डाल सकते हैं। पानी पीने का स्रोत, एक सरकारी नल है, इंडिया मार्ग है, कुआं है, नदी है या तालाब, अन्य 5 नंबर पर क्या अन्य आ जाता है। तो हमारे नल सरकारी नल है तो 1 नंबर डाल देंगे, सरकारी नल नहीं है, टंकी से आता है, इंडिया मार्ग है, कुआं है, नदी है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है, नल है सिर्फ खाली नल, तो आप 5 नंबर डालोगे, हमारे यहाँ नल है सिर्फ तो 5 नंबर डालेंगे। इस प्रकार से आपको पूरा रजिस्टर एकदम अच्छे तरीके से भरना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी आशा कार्यकर्तियों तक आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि जो भी आशा अपना रजिस्टर अधूरा रखती हैं वो भी अपना रजिस्टर हमारी और आपकी मदद से अपने रजिस्टर को पूरा कर सकें। हम आपको बहुत जल्दी और वीडियो लाएंगे, जिसमें कि आपको हम 0 से लेकर हाई लेवल तक पूरे रजिस्टर की तमाम जानकारी देने वाले हैं। हर टॉपिक पे बात करेंगे, हर टॉपिक पे अच्छे से समझाएंगे, कोई भी टॉपिक रजिस्टर में नहीं छूटेगा। बस आपसे यही उम्मीद है कि अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, और नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।